जहाँ तक अग्निपथ योजना का ताल्लुक है, समझे, वो हमसे क्या पूछते हो, खुद माहौल बता रहा है, वो हालात बता रहे हैं, जिनको भर्ती करना चाहते हैं वो लाइक नहीं कर रहे, तो दूसरे जितने भी चाहे वो समाजवादी के लोग हों या किसी दूसरी पार्टी के लोग हों, अपोजिशन सारा अपोजिशन इसको पर इसको ठीक निगाह से नहीं देख रहा और ये कह रहा और वो ये समझ रहा है कि ये दिल बहलाने की बातें की जा रही हैं। इससे जो जिन लोगों की अग्नि भर्ती में योजना में होगी, बिल्कुल नई योजना ये लाए हैं, इससे मतलब ये कि उन लोगों का जो बेचारे भर्ती होंगे चार साल में, क्या उनको सर्विस, क्या सर्विस होगी उनकी, उसके बाद वो क्या करेंगे, बेकार हो जाएंगे। कांग्रेस नेता सुबोध कांत ने विवादित बयान देकर प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर के करते हुए प्रधानमंत्री की मौत भी हिटलर की तरह होने का बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक उनका बयान ताल्लुक, वो जाने अपने बयान से, मैं इसमें को उन पर कोई ना अटैक करूँगा ना एतराज़ करूँगा, बल्कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मौत और ज़िंदगी का, वो तो अल्लाह के इख्तियार में, हमारे बस में नहीं है कौन कैसे मरेगा क्या होगा, लेकिन बहरहाल दुनिया में जब हमें भेजा गया है तो इसलिए भेजा गया है कि हम अच्छे काम करें, इंसाफ करें, लोगों के छोट किसी कौम, किसी नस्ल, किसी बिरादरी, किसी मज़हब का आदमी भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बहरहाल सब के साथ इंसानियत का सलूक होना चाहिए। तो बजाय इसके इस देश के अंदर मतलब ये हमारे ना तो मोदी जी बोल रहे हैं ना अमित शाह बोल रहे हैं, आज तक यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी नुपुर शर्मा ने और जिंदल ने की है, उसकी सारे मुसलमानों ने मान की, और यहाँ तक के उनके गोलियों का भी निशाना बने और उनकी उनके मकानों को मंजिल, बड़ी बड़ी मंजिलों को भी ज़मीन दोस्त कर दिया गया और बुलडोज़र चला दिया गया ऊपर। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बुलडोज़र गवर्नमेंट की पॉलिसी में या हमारा जो कानून है उसके अंदर तो उसका कोई जिक्र है नहीं कि बुलडोज़र से भी कोई कानून बनेगा? बुलडोज़र तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोज़र का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी, दोहरी ज़हनियत का पता चलता है, ये काम गलत है। बहरहाल वो काम करो, हुकुम हुक्मरानी आपके पास है तो हुकूमत आप चला रहे हैं, तो आप क्यों मतलब ये कि लोगों को धोखा दे रहे हैं? अच्छे काम कीजिए सारे इंसानों के साथ, जो भी मुलजिम वाकई कानूनी एतबार से कोई, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, छोटा है, बड़ा है, उसको सजा दीजिए। लेकिन ये खामोखा के लिए, बहरहाल मुसलमानों के साथ जितना जुल्म हुआ है तो बहरहाल ये देखना चाहिए मुसलमानों के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको के न सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान, सारी दुनिया का मुसलमान अपनी जान से प्यारा मानता है, उनको वो अपनी जान दे सकता है लेकिन वो नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करने देगा, उसको इजाज़त नहीं है इस बात की। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बताए? हमारी मांग है कि ये इतना बड़ा काम हुआ है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन इसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट बोलती नहीं और कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। फिलहाल इतने बड़े मुजरिम को, जिससे कि सारी दुनिया हिल गई, तो उस मुजरिम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट तैयार क्यों नहीं है?